हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई। आज बात करेंगे जिंक, उसका पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे जिंक क्या होने वाला है। तो मैंने ये जिंक 4 आवर चार्ट लिया, उसका पिवट पॉइंट 185, फर्स्ट सपोर्ट 183.7 एंड थर्ड सपोर्ट सेकंड सपोर्ट 182.02 एंड थर्ड सपोर्ट 180.49 and the first resistance 186.99, second resistance 188 and third resistance 192. तो जिंक में अगर ये आप देख सकते हैं डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है अभी। तो अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज तो इसने 200 को ब्रेकआउट नहीं किया, तो बाद में फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो कंटिन्यूअसली आ रहा है, कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आ रहा था। तो अभी दो दिन जैसे कल और परसों फ्राइडे को थोड़ा करेक्शन दिया था यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, तो फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्टिंग रेंज मिला हुआ है हमें। जैसे सपोर्टिंग रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसे एक बार ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे, तो उसको ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो देखेंगे 4 आवर में क्या हो रहा है। 4 आवर में सपोर्टिंग रेंज का आसपास ही है। तो जो 4 आवर का जो प्राइस एक्शन मेथड है, यहाँ पे देख सकते हैं लोअर लो बना रहा है। तो लोअर लो सपोर्टिंग रेंज में आया, तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। जो 200 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, तो यहाँ से मुझे लगता है 200 अगर ब्रेकआउट नहीं किया तो और नीचे आने का चांसेस है। तो 30 मिनट में आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर हाई बनाया, लोअर लो बना रहा है, लेकिन एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, एक रेंज में चल रहा है मार्केट, एक रेंज में चल रहा है, राइट। सॉरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेंज में चल रहा है मार्केट। तो ये है मार्केट रेंज यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सेल करेंगे तो थोड़ा दिक्कत भी होता है, मार्केट ऊपर भी तरफ खींच के ऐसे ही जा सकता है, क्योंकि यहाँ से 200 मूविंग एवरेज एक बार ट्राई किया, फिर से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के आसपास आ गया, तो फिर से ऊपर खींच सकता है, राइट। तो इसलिए हम देखेंगे अभी 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं 15 मिनट में एक वही रेंज में ही है, तो और नीचे में एक सपोर्टिंग लाइन है। तो इसलिए आपको एंट्री लेना है तो इसमें थोड़ा मार्केट यह साइडवे में है, तो इसलिए ट्रेड करना है तो ये रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए मुझे लगता है। जैसे ये रेंज में यहाँ पे आप अगर बाय ले सकता है, क्योंकि अगर CCI और स्टोकेस्टिक कंफर्म करे तो बाय के लिए आप बाय ले सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो SL नीचे में लगा सकता है, और मार्केट यहाँ पे अगर आपको मिले तो यहाँ से फिर से सेल आप जा सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।